जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे तथा बोर्ड एग्जाम में उससे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो संधारित्र को प्रायः हम लोग दो प्रकार के क्रम में जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, एक जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो पहले आइए हम लोग इसके फार्मूलाज के बारे में जान लेते हैं। तो संधारित्र का जो साइन होता है इस प्रकार से होता है, दो तार आपस में इस प्रकार से समान रूप से जुड़े नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यह होता है संधारित्र का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला, क्योंकि हमें इस पे न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है तो हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो पहला क्या हो जाएगा, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हो। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। तो मान लीजिए एक संधारित्र हुआ, एक संधारित्र, एक संधारित्र, एक संधारित्र। श्रेणी क्रम क्या होता है, ऐसा क्रम जिसमें संधारित्र का पहला भाग बैटरी के धनात्मक भाग से तथा संधारित्र का दूसरा भाग दूसरे संधारित्र के पहले भाग से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा भाग तीसरे संधारित्र के पहले भाग से तथा तीसरे संधारित्र का अंतिम वाला भाग चौथे संधारित्र के प्रारंभिक भाग से तथा चौथे संधारित्र का अंतिम भाग बैटरी के ऋणात्मक भाग से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के क्रम को श्रेणी क्रम में जुड़ना कहते हैं। आप लोग एक बार फिर से जान लीजिए, अगर पहले संधारित्र का पहला भाग बैटरी के धनात्मक सिरे से, दूसरा भाग दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा उसका दूसरा भाग तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा उसका दूसरा भाग चौथे संधारित्र के पहले सिरे से तथा उसका दूसरा भाग डायरेक्ट बैटरी के ऋणात्मक भाग से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के क्रम को संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए। अब इसके लिए सूत्र क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 या इसका फार्मूला होता है +1/C4। इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में आपके प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं संधारित्र से। मान लीजिए इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3, इसकी धारिता C4 हो तो इसके लिए सूत्र यह होता है। अगर अनंत संधारित्र जुड़े हो तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 ... 1/CN या किसके लिए हो गया, अगर अनंत संधारित्र जुड़े हो तो यह हो गया। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, इसमें अगर समांतर क्रम में जुड़ा हो, दूसरा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जुड़े हो। तो समांतर क्रम कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक संधारित्र हुआ। अब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ये कुछ इस प्रकार से संयोजित होंगे। तो अब यहां से क्या होगा, बैटरी के धनात्मक व ऋणात्मक भाग से ये जुड़े रहेंगे। तो यह हो गया, मान लीजिए इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। तो यह क्या होता है, ऐसे संधारित्र जिसका पहला सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा दूसरा सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हो, तो संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम में संयोजन कहते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, C = C1 + C2 + C3 यह इसका फार्मूला हो गया। यह होता है प्रतिरोध का उल्टा, इसका सभी प्रकार के फार्मूले होते हैं। तो यह हो गया श्रेणी क्रम में जुड़े हो, या हो गया समांतर क्रम में जुड़े हो, और अगर इसमें यन प्रतिरोध जुड़े हो, अनंत प्रतिरोध जुड़े हो, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा C = C1 + C2 ... CN। तो इस प्रकार का इसमें फार्मूला हो जाएगा। तो नॉर्मली हम लोगों को इन्हीं फार्मूले को देखना है तथा अब हम लोग देखेंगे इस पर क्वेश्चन कैसे होता है। तो अब जैसे मान लीजिए
या फार्मूला मिल गया। अब इसके लिए हम लोग जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर इसके लिए एक फार्मूला बना रहे हैं, अगर कभी भी संधारित में अगर श्रेणी क्रम में दो संधारित जुड़े हो, श्रेणी क्रम अगर दो संधारित जुड़े हो तो इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला C बराबर होता है C1 × C2 + C1 + C2, यह डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे भी निकालेंगे तब पर भी यही आएगा, तो हमें इसे डायरेक्ट ध्यान देना है ताकि जो बोर्ड एग्जाम में हमारा आने वाला समय, जो हमें समय मिले वह ज्यादा लॉस ना हो। यह कब लागू होगा? जब केवल दो कैपेसिटर जुड़े हुए हो। जैसे मान लीजिए यहां पर एक संधारित्र क्रिया हो गया, एक संधारित्र क्रिया हुआ, एक संधारित्र क्रिया हुआ तथा ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। अगर हम लोग ऐसे भी निकालेंगे 1/C1 + 1/C2, तो इसका ऐसे करेंगे 1/C बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे C2 + C1/C1 × C2, तो अब यह 1/C है। और अगर इसे C में करेंगे तो यह पलट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा C1 × C2 / C1 + C2, ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसके लिए यहाँ पर वही फार्मूला आया, तो यहाँ पर हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया है। तो इससे हम लोगों को जो हमारा एग्जाम में टाइम रहेगा उस हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे और जो हमारा टाइम है वह भी बच जाएगा। तो यह फार्मूला अगर दो संधारित्र जुड़े हो तो हमें यह अप्लाई करना है। अप्लाई आपके एग्जाम में हमेशा दो संधारित्र दिया रहता है, अभी आए मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही बताऊंगा। तो हमेशा इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डायरेक्ट यही फार्मूला लगाएंगे और तुरंत उत्तर ला देंगे। तो आइए अब हम लोग इसमें क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो अगर आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं इस पे। तो मतलब जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या हुआ, ऐसे तीन संधारित्र दे दिए, जैसे मान लीजिए इसकी धारिता हो गई 4 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 16 हो गया माइक्रोफेरड। अब पूछा इसके तुल्य धारिता बताइए, तो यह किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, दो है नहीं, नहीं तो हम लोग वाला डायरेक्ट फार्मूला यूज करते C1 × C2 / C1 + C2, लेकिन यहाँ पर तीन है तो इसे हम लोग वैसे ही निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 का मान कितना दिया है 4, मान लीजिए C1 हो गया या C2 हो गया या C3 हो गया, C1 का मान कितना दिया है 4 प्लस 1/C2 का मान कितना दिया है 8 प्लस 1/C3 का मान 16। अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो पूरे का बटा हो जाएगा 16। अब यहाँ पर 4 है, 4 का कितनी बार गुणा करें कि 16 आ जाए, तो 4 × 16, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 8 है, 8 × 2 = 16, तो यहाँ पर 2 बार आएगा तो ऊपर हमेशा 2 का गुणा प्लस। अब यहाँ पर 16 है, 16 × 16, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 2 = 6 = 7/16, यह क्या आ गया 1/C = 7/16। अब हमें क्या निकालना है, सी का मान निकालना है, तो यह ऊपर चला जाएगा तो यह भी ऊपर चला जाएगा, यह नीचे चला जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा 16/7, यह हो गया इसका तुल्य धारिता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके प्राय बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक संधारित्र क्रिया हुआ, एक संधारित्र क्रिया हुआ और एक संधारित्र क्रिया हुआ, मान लीजिए यह हो गया, अब यहां पर क्या पूछा, तुल्य धारिता पूछ रहा है। अब मान लीजिए इसका मान दे दिया 8 μF, यहां पर इतना हो जाएगा 16/7 μF, यहां पर दे दिया 8 μF, यहां पर दे दिया 9 μF और यहां पर दे दिया 3 μF। तो अब हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें नॉर्मल फार्मूला पता है, C बराबर हो जाएगा C1 + C2 + C3, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C1 का मान कितना है 8, C2 का मान 9, C3 का मान 3, तो C बराबर कितना हो जाएगा 9 × 3 = 12, 12 × 8 = 20, तो कितना हो जाएगा 20 μF, तो यह हो जाएगा इसका मान। तो आशा करते हैं अगर आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन मिले श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो अब आइए हम लोग मिश्रित क्रम देखते हैं।
श्रेणी क्रम भी रहेगा और समांतर क्रम में भी रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं, या भी प्रायः इनका मतलब समय ही है इस प्रकार के क्वेश्चन का पूछना। तो आइए अब हम लोग समांतर क्रम में देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, यह पूछा गया था आपके यूपी बोर्ड 2020 में, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी बोर्ड 2020 में। तो अब इसमें क्या होगा, इस प्रकार से दिया है तो हम लोग इसमें पहचानेंगे ये वाला ये तीनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम वाले को पहले हल करते हैं। यहां से ये दोनों समांतर क्रम में है तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, 9+1=10 माइक्रोफेरड। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम का फार्मूला होता है C=C1+C2 और यहाँ पर दो संधारित्र हैं तो एक का मान हुआ 9, एक का मान हुआ 10, मिलकर कितने हो गए 10 माइक्रोफेरड। अब आइए हम लोग नेक्स्ट संरचना को बनाते हैं, इसके नेक्स्ट चित्र को बनाते हैं। तो अभी अभी इससे जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में और यह डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 220 वोल्ट के संभरण से जुड़ जाएगा। यहाँ पर इसका कुंजी हो गया और यह जुड़ गया 220 वोल्ट, यह हो गया। अब इसका मान कितना हुआ, इसका मान हुआ 4, इसका मान हुआ 10, 2 इसका मान हुआ 10, इसका मान हुआ 4। तो अब यह सभी किस में जुड़ गए, श्रेणी क्रम में। तो आइए श्रेणी क्रम में निकालते हैं। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C=1/C1। C1 की जगह यहाँ पर है 4, मान लीजिए यह C1 हो गया या C2 हो गया या C3 हो गया या C4 हो गया। तो अब यहाँ पर C1 है, C1 की जगह पर यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस। अब यहाँ पर C2 है, C2 का मान है 2, तो वहां पर हो जाएगा 1/2। यहाँ पर फिर कितना है, 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 प्लस। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4, तो 1/4 हो गया 4। तो अब हम लोग इसे जोड़ देंगे 1/C=, पूरे का एलसीएम निकालेंगे, पूरे का एलसीएम निकालेंगे। तो अगर इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा, तो दोस्तों अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 20, तो यहां पर कितना हो जाएगा, कितनी बार गुणा करें कि 20 आ जाए, तो 4 × 5 = 20, तो यहां पर हो जाएगा 5 प्लस यहां पर है 2, 2 का कितनी बार गुणा करें कि 20 आ जाए, 10 बार, तो यहां पर हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पर है 10, 10 का है 2 बार गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, यहाँ पर है 4, 4 का 5 बार गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो टोटली कितना आएगा, 10 × 5 = 15, 15 × 2 = 17, 17 × 5 = 23, तो यहाँ पर हो जाएगा 23/20। तो अब यहाँ पर है 1/C=23/20, तो C बराबर कितना हो जाएगा, 20/23 माइक्रोफेरड। यह इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शनल क्वेश्चन था, 20/23 दिया था। सोचिए एक नंबर भी ना इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा, अगर इसमें है ही क्या, आसानी से इसे 2 मिनट में निकाला जा सकता है, अगर आप लोग समझ गए तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें अब हम लोग अलग क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए, तो दोस्तों जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको यहां पर मिला, या भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में यूपी बोर्ड 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसमें देखिए ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में, ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्रेणी क्रम में है। और दोस्तों आप लोग याद कीजिए, अगर श्रेणी क्रम में दो संधारित्र हो तो इसके लिए सूत्र क्या है, C1 × C2 / C1 + C2, तो यहाँ पर कितने हैं, दो संधारित्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 5/2 + 5 बराबर हो जाएगा 10/7, और यहां पर भी वही होगा, तो यहां पर भी हो जाएगा 10/7, आसानी से निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 दिए हैं तो आसानी से हम लोग निकाल देंगे। अब आइए इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हम लोग तो नेक्स्ट में या कुछ इस प्रकार से बनेगा, या कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि वे सभी श्रेणी क्रम में थे, अब ये सभी जुड़ करके किस में आ जाएंगे, समांतर क्रम में, और यहाँ पर ये जाकर के बैटरी से जुड़ जाएगा। अब इसका मान कितना है, इसका मान है 10/7 माइक्रोफेरड, माइक्रोफेरड, इसका भी मान है 10/7 माइक्रोफेरड।
अब ये किस में है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2, तो C बराबर यहाँ पर कितना है 10/7 प्लस 10/7, तो कितना हो जाएगा C बराबर 20/7, या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शनल क्वेश्चन यह भी था, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया था 20/7, तो यह वहां पर सही था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अब आइए हम लोग, तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।